Hey guys, welcome back to my channel, Bike Love Karun. ये है part 2 of dollar waiting. Dollar का इतना इंतजार हो रहा है कि जैसे मान लो कोई महाराजा हो. And of course, हमारी जो बाइक है वो एक महाराजा से कम नहीं है. Yes, ये 5 दिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास किया. You see here, मैंने पूरा सेटअप चेंज कर दिया है यहाँ पे. इसको मान लो पूरा स्टूडियो बना दिया है विद यू नो दिस सोफा इन द सेंटर एंड टीवी इन द फ्रंट. और इसके साथ साथ अगर मैं चेयर को साइड कर देता हूँ, यू विल सी अ यूपीएस देयर. ये मैं एक यूपीएस लेके आया हूँ टू सपोर्ट माई दिस टीवी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यू आर वॉचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑल, अचानक से लाइट चली जाती है तो खाना भी खा रहे होते हो, एकदम बोरिंग हो जाता है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूपीएस ले लिया जाए. और उसके साथ साथ मैंने लिया है ये टेबल एंड विथ सम मोर डिवाइसेस लाइक दिस पावर बैंक एंड ऑल दो स्टफ. तो बहुत सारे चेंजेस इस 5 दिनों में मैंने किए हैं. बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे मेरे अमेजोन के. तो ये था एक टाइम पास, बट एक्चुअली जो दिल था वो बाइक का इंतजार कर रहा था. और बाइक फाइनली आ रही है, इट्स ऑन द वे, इट्स लोडेड ऑन द ट्रक एंड सून वी गोना गेट इट. सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल कॉल एंड लेट्स गो डाउन टू गेट द डॉलर. सो गाइज, यस, फाइनली द बाइक इज हेयर एंड एज यू कैन सी इट इज ऑन अ वैन. अभी हम इसको नीचे उतारने वाले. तो थोड़ा पास हो जाए, लुकिंग ह्यूज. बहुत सारे काम हुए हैं इसके अंदर. तो अभी इसको हम नीचे उतारते हैं, घर के अंदर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हुआ है डॉलर में. एक्साइटमेंट लेवल 100%. Finally, we have the key as well. How are you feeling, Varun? Woo, super excited. Guys, the happiness is next level. Dollar is here. इसको सबसे पहले घर के अंदर लेके चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं इसके अंदर. तो guys, अब जिंदगी में आने वाली है रोशनी. थोड़ा पास आइए मेरे और आपको दिखेगा अब इस डॉलर का एक नया रूप इन a daylight. So guys, yes, we are back in the daytime. और सबसे पहले आज, इससे पहले कि मैं बाइक को आपको दिखाऊं चारों तरफ से एंड ऑल, बाइक हो चुकी है काफ़ी गंदी क्योंकि मैं पिछले हफ्ते एक 200 किलोमीटर की राइड मार के आया था. उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, वो था टायर्स का ब्रेक इन पीरियड. टायर्स का ब्रेक इन पीरियड अराउंड 500 किलोमीटर्स. तो थोड़ी सी गंदी हो गई है बाइक और BMW वालों ने आई थिंक हैंड वॉश किया था, स्प्रे और वो डीजल वॉश वगैरह नहीं किया उन लोगों ने. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है मेरे घर का एरिया, लोकल एरिया जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ गलियों में. यह है लंका, इफ़ यू नो दिस प्लेस. सो सबसे पहले हम बाइक को देते हैं वॉशिंग के लिए. आई थिंक यहाँ पे एक वॉशिंग गाय है नियर माई हाउस और उसको वॉशिंग के लिए बाइक देने के बाद आई विल टेक यू टू अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेस जहाँ पे हम इस बाइक के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे, उसकी सर्विस कॉस्ट और क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कराई हैं हमने. टायर का हिंट तो आपको मिल ही गया है, बट कौन सा टायर एंड ऑल वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. तो चलते हैं, वो रहा हमारा सर्विस सेंटर जहाँ पे हम इसको वॉश कराएंगे. यस यस, फाइनली आई एम टेकिंग माय बाइक इन द वॉशिंग प्लेस. यहाँ पे स्प्रे वॉश सब कुछ होता है अच्छे से. सो लेट्स सी. सो यस गाइज, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने बाइक वॉश कराया एंड दिस इज डॉलर, ऑल वॉश प्रॉपरली.
डब्बा वब्बा मैंने इसको वॉच नहीं कराया क्योंकि उसके अंदर मेरे कैमरा गेयर्स एंड सब सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज हाउ डॉलर लुक्स। इसका मैं आपको देता हूँ क्लोज लुक और अ सीक्रेट लोकेशन, नया लोकेशन है, हो सकता है आपको पसंद आए और मेरे फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोज़ वहीं बने। तो लेके चलते हैं डॉलर को ऑन दैट लोकेशन। सो गाइज, ये जगह ढूंढी है मैंने अपने घर के पास। ये एक यहाँ पे एक गार्डन टाइप है, आई डोंट नो लेक है, ट्राइड आउट। और ऑन द राइट हैंड साइड देर इज़ अनदर स्मॉल गार्डन जहाँ पे हम यू नो बाइक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपनी वाइफ को भी बाइक चलाना सिखा रहा हूँ उसके अंदर। बट आई डोंट नो इफ इट इज़ अ डंप यार्ड और व्हाट। कल रात को यहाँ पे बहुत सारी बफलोज और बहुत सारी चीज़ें थी। तो दिस इज़ द प्लेस वेर आई एम गोइंग। और यहाँ से बाइक नीचे ले जाना इज़ अ बिग चैलेंज। लेट्स सी, अभी एडवेंचर करना है तो ये सब तो आना चाहिए। Here we go. Yes, finally we are inside this place. पल्लवी को मैं पहले वहाँ पे उतार के गया था ताकि she can show you कि मैं बाइक को कितनी स्टीप जगह से लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे रात को बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। हम लोग यहाँ पे बाइक को करते हैं पार्क और आपको मिलते हैं ऑन द मेन कैमरा इन अ वाइल। तो गाइज, हम आ चुके हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे। ये मैंने यू नो कल शाम को ही ढूंढ के निकाली है। और अगर आप मेरे को स्टोरीज में फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लगा होगा कि मैंने पल्लवी को यहाँ पे लेके आया था फॉर टीचिंग हर स्कूटर। यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये जो एक छोटा सा पैच है यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बट दिस लोकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस विच इज़ द बेस्ट थिंग। आई कैन कम टू दिस लोकेशन, मेक वीडियोज़ अबाउट वेरियस थिंग्स। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सा एडवेंचर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट फॉर बेसिक ट्रेनिंग्स, बेसिक यू नो जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर हो सका तो मैं यहाँ पे आके बनाने की कोशिश करूँगा। और बहुत ज़्यादा सनी है यहाँ पे एनवायरनमेंट। कोशिश करेंगे जल्दी से इस वीडियो को रैप अप करेंगे। और ये है मेरा बिल BMW का, जो मैं यू नो फोर्थ सर्विस। तो गाइज, जस्ट वॉन्ट गिव यू हिंट कि बाइक की रनिंग कॉस्ट जो मेरा आज का मेन यू नो जो मेरा एक एसेंस रहेगा इस वीडियो का, वो ये है कि इस बाइक की रनिंग कॉस्ट कितनी है। एक BMW बाइक जो आपको 30 लाख रुपए की दिख रही है, क्या आप यकीन कर सकते हो कि ये एक ऊबर और ओला से सस्ती होगी? जी हाँ, ये बाइक आपको पड़ेगी ऊबर और ओला से बहुत ज़्यादा सस्ती। वो मैं आपको चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और पेट्रोल का खर्चा एंड ऑल दोज थिंग्स कंपेयर टू अ टैक्सी और अ ऊबर और अ ओला। तो इस बार का जो मेरा सर्विस का कॉस्ट था वो था ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा पास आके दिखाता हूँ, 41,784, ठीक है। और उसके साथ मेरे टायर्स, मैंने इस बाइक में नए टायर्स दिखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नया लुक ऑफ दिस इज स्कॉर्पियन रैली STR। दिस इज नॉट अ कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग टायर, बट यस दिस इज बेसिकली यू कैन ट्राई ऑफ रोडिंग, यू नो इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट टू यू। सो दैट्स वाई आई यू नो सेड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट आई एम वन स्टेप क्लोजर टू दी ऑफ रोडिंग, बिकॉज दिस विल टेक मी वन स्टेप क्लोजर टू ऑफ रोड। एंड उसके बाद आई हैव टेकन अ बैश प्लेट, इफ यू सी हेयर 31,500, ये जो बैश प्लेट है दिस इज टूरा डेक एंड नोन एज वन ऑफ द बेस्ट बैश प्लेट अवेलेबल इन द मार्केट। सो दीज आर द एक्सपेंसिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन सारी चीज़ों के क्लोज लुक, फिर आपको बताता हूँ कैसे इसकी रनिंग कॉस्ट एक टैक्सी की रनिंग कॉस्ट से भी कम है। So guys, when I say my service cost was 41,784, इसके अंदर included थे मेरे front जो brake pads हैं, दो brake pads डलते हैं इसके front के अंदर, तो वो included cost थी which is almost 17,000 rupees। So अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो इसकी service cost मेरे को 25,000 पड़ी। इसके अंदर major task क्या क्या हुए थे, इसके अंदर major you know तो चीज़ें हुई थी, वो थी इसकी पूरी valve cleaning और अंदर से पूरा इस बाइक को यू नो जैसे कि आपको आपने इस फोटो में देख रहे हो, इस बाइक को पूरा खोल दिया गया था। इसके एयर फिल्टर चेंज हुए, ऑयल फिल्टर चेंज हुए, पूरा ऑयल फ्लश करके चेंज किया गया, देन शाफ्ट को सर्विस किया गया, ऑयलिंग किया गया,
एंड इंक्लूडिंग टायर को खोलना, टायर को रिप्लेस करना, इसका ही आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि इसको टायर को खोलना, आगे वाले स्पेशली टायर को खोलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्पार्क प्लग्स भी चेंज हुए हैं, जो 31,000 में पहली बार चेंज हुए हैं मेरे स्पार्क प्लग्स, और जो इसकी वॉल्व क्लीनिंग है एंड एवरीथिंग वो मेरी पहली बार हुई है एट 31,000 किलोमीटर्स। सो यस, दीज वर द फ्यू थिंग्स विच वर डन फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो मेरे टायर के सेट हैं, दीज आर माई थर्ड टायर सेट, पहले स्टॉक में आए थे एनीके, मेटज़लर के एनीके थे वो, और ये जो है ये हैं पेरिली के स्कॉर्पियन, और इससे पहले जो मैंने लिए थे वो ब्रिजस्टोन के लिए थे। ब्रिजस्टोन वॉज द एक्सीलेंट टायर, रोड टायर। अगर फ्यूचर में मेरे को टूरिंग करने के लिए, सिर्फ टूरिंग करने के लिए कोई टायर दोबारा लेना है और मैंने ऑफ रोडिंग करने का आइडिया ड्रॉप किया, तो आई विल डेफिनेटली गो बैक टू ब्रिजस्टोन अगेन। सो यस, एंड द बैश प्लेट का जो कॉस्ट है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, वो बैश प्लेट जो है वो एक्चुअली में मार्केट प्राइस उसका 44,000 है, बट मेरे को 30% और प्लस उसका डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट मेरे को 31,500 पड़ी, एंड ओवरऑल बिल वाज 101,564। सो गाइज, मैं सर्विस कॉस्ट को और ये जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं इसके, जो हैं यू नो आपके टायर्स, आपके ब्रेक्स एंड ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, उसको मैं कंज्यूमेबल पार्ट्स को बोलूँगा, क्योंकि वो जैसे जैसे बाइक चलती है उनको चेंज करना ही पड़ता है। और उसके साथ साथ कंज्यूमेबल पार्ट्स के साथ साथ इसकी सर्विस कॉस्ट को जब मैंने ऐड किया, एक्सेसरीज़ को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप इस 30 लाख की बाइक को 50 लाख की बाइक बना सकते हो बाई एडिंग सो मैनी एक्सेसरीज इन टू इट। आफ्टर 30,000 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,63,000 रुपीज़, इसके अंदर मैंने पेट्रोल को भी इंक्लूड किया है। अगर मैं 30,000 किलोमीटर बाइक चलाऊँगा तो मेरे को कितना पेट्रोल लगेगा वो भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। तो वो सब चीज़ों को इंक्लूड करके ये बाइक पड़ जाएगी आपको अराउंड 8 रुपीज़ 50 पैसा पर किलोमीटर, 1,63,000 रुपीज़। 30,000 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपीज़ समथिंग आएगा, और प्लस 3 रुपीज़ अगर पेट्रोल ऐड कर दोगे पर किलोमीटर, तो आपको इसको पड़ेगा 8 रुपीज़ 50 पैसा, जो एक यू नो लग्जरी टैक्सी से भी बहुत ज़्यादा चीप है। बट इट इज़ योर पैशन, इट्स नॉट योर यू नो मजबूरी कि आपको एक टैक्सी में बैठ के कहीं जाना पड़ रहा है, एंड मेरे को बहुत सफोकेशन फील होता है टैक्सी के अंदर। बाइक इज़ लाइक ब्रीद हैप्पी एंड लिव हैप्पी। सो ये दिस वॉज ऑल द एक्सपेंसिस आई हैव डन इन माई बाइक। एक्सेसरीज़ को छोड़ दो, अगेन मैं एक्सेसरीज़ को इंक्लूड नहीं करूँगा, एक्सेसरी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट बाइक की एसेंशियल्स ज़रूरी है, जैसे कि यू नो दीज पैनियर्स, टॉक बॉक्स, प्रोटेक्शन एंड एक्स्ट्रा, इसको हम एक्सेसरीज मान के चलेंगे, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है, आपको लगाना है आप लगाओ, नहीं लगाना है तो आपको ये बाइक 8 रुपये 50 पैसा पर किलोमीटर पड़ेगी। माई कैमरा मैन पल्लवी शर्मा जी, तो कहीं से भैंस भाग रही है इधर उधर और पल्लवी की फट के हाथ में आ गई, और बहुत तेज़ भाग रही थी, शी वॉज रनिंग एवरीवेयर, मे बी ड्रोन की वजह से या समथिंग, बट लुक एट दिस लोकेशन, ये इसका 360 डिग्री व्यू है। और बाइक को अब स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वापस घर की तरफ। मज़ा आया आज का व्लॉग, छोटा सा क्रिप्स था। मैं आपको दोबारा मिलता हूँ, थोड़ा एडवेंचर करते हैं नेक्स्ट टाइम, कहीं राइड वगैरह पे चलते हैं क्योंकि सब कुछ खुल गया है, और फिर टूरिंग स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग राइड्स देखते हैं दिसंबर एंड तक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बाय बाय बोलते हैं इस ग्राउंड को, अमेजिंग प्लेस टू मेक व्लॉग्स ऑन माय डॉलर। तो छोटा मोटा टॉपिक, गेयर रिव्यूज़, ये रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू, हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं, एडवेंचर नहीं हो पाएगा। मैंने ट्राई किया वहाँ पे बाइक को स्लाइड करने के लिए, लेकिन आपने शॉट देखा, एक भी बार मिट्टी उछली नहीं। सो ऊपर जाना भी एक चैलेंज है, जा पाएंगे क्या? ऊपर आना वॉज रिस्की, बट हमने कर लिया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।